नमस्कार दोस्तों, मैं मैथ्स फैकल्टी राजू गुप्ता आपके अपने यूट्यूब चैनल चंद्रा आईएएस में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आई होप मैंने ज्योमेट्री के बहुत सारे वीडियो बनाए, आप लोग देख रहे हो, बहुत एंजॉय कर रहे हो। आपको अच्छे से देखना है, हम लोगों ने लगभग लाइन एंड एंगल के बारे में बात कर लिया है, कम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में बात कर लिया है, सप्लीमेंट्री एंगल के बारे में बात कर लिया है। तो मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया है, आप उन वीडियो को अच्छे से देख लीजिए। पीछे के कॉन्सेप्ट आपको आगे जाके ज्योमेट्री में बहुत ज़्यादा यूज होंगे, तो आपको अच्छे से समझ के चलना है। बाकी मैं आज आपको एक नया चैप्टर ज्योमेट्री का ही स्टार्ट करने जा रहा हूँ, ट्रायंगल। आपको मैं बता दूँ, आप एक बात जान लीजिए, ज्योमेट्री में दो सेक्शन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वहाँ से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा कोई भी एग्जाम है वो बनाती ही बनाती है। तो इन दो सेक्शनों में एक सेक्शन है ट्रायंगल और दूसरा है सर्कल, यानी एक त्रिभुज और दूसरा वृत्त। यहां से क्वेश्चन आप ये जान लीजिए कि अगर ज्योमेट्री में अगर आपके 10 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 7 से 8 क्वेश्चन केवल त्रिभुज और आपके वृत्त से आते हैं, बाकी 2-3 क्वेश्चनों में आपके लाइन एंड एंगल से आ गया तो आ गया, नहीं तो फिर चतुर्भुज से पूछेगा। बाकी त्रिभुज और वृत्त दो ऐसे टॉपिक हैं जो बहुत पूछा जाता है, बहुत पूछा जाता है, तो मैं बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से आपको बताने वाला हूं। आप हमेशा हम लोगों के साथ जुड़े रहिए, हमारे चंद्रा आईएएस परिवार के साथ आप जुड़े रहिए, अपना प्यार दिखाते रहिए, हम लोग हमेशा आपके साथ हैं और हम अपना 100% आपको देंगे, बस आपको ध्यान से पढ़ना है चीज़ों को। आइए शुरू करते हैं त्रिभुज के बारे में। तो त्रिभुज के बारे में जरा हम बात करते हैं कि त्रिभुज होता क्या चीज़ है। जैसे मैंने अगर ट्रायंगल के बारे में बात किया कि ट्रायंगल है क्या, तो ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज के बारे में, इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं, मैं बताता चलूँगा। तो त्रिभुज के बारे में जब हम बात करेंगे कि त्रिभुज है क्या, तो मैं आपको बता दूँ कि त्रिभुज जो है कि 3 असंरेख बिंदुओं से मिलकर एक बंद आकृति जो बनती है वही त्रिभुज कहलाता है। आप जैसे कह सकते हो 3-sided closed plane figure विच इज फॉर्म्ड बाई ज्वाइनिंग द 3 non-collinear point इज कॉल्ड अ ट्रायंगल। यानी कि मतलब 3 असंरेख बिंदुओं से मिलकर बनने वाली आकृति क्या होती है, बंद आकृति, त्रिभुज कहलाती है। मैंने आपको non-collinear point उसमें पढ़ाया था, किसमें, ज्योमेट्री वाले पहले चैप्टर में, लाइन एंड एंगल में। तो मैंने आपको बताया था कि अगर ये लाइन है तो इनको हम कोलिनियर पॉइंट कहते हैं, यानी एक सीधी रेखा में जो पॉइंट होते हैं उनको हम कोलिनियर पॉइंट कहते हैं, और इनसे कभी कोई बंद आकृति नहीं बनती है, इनसे केवल एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। क्योंकि इसी कंडीशन में एक बात मैंने और बताई थी कि अगर आप नॉन कोलिनियर पॉइंट की बात करते हैं, तो जैसे मैंने ये नॉन कोलिनियर पॉइंट, कोई भी पॉइंट इधर उधर हो, तो इनको मिला के अगर कोई आकृति बनती है, तो ये एक बंद आकृति बनती है, और ये बंद आकृति ही क्या कहलाती है, त्रिभुज कहलाती है। तो आपको ये बात याद रखना कि 3 असंरेख बिंदुओं से मिलकर बनने वाली एक बंद आकृति ही त्रिभुज कहलाती है। अब जरा आइए जानते हैं कि त्रिभुज है क्या चीज़। तो त्रिभुज में मैं कुछ बातें आपको बताता चलता हूँ कि आप एक बात जानिए छोटी सी कि त्रिभुज में क्या होता है कि अगर ये एक त्रिभुज है तो इसमें जो अगर इस ये ए है, ये बी है, ये सी है, और ए के सामने मैंने स्मॉल ए कर दिया, बी के सामने मैंने स्मॉल बी कर दिया, और सी के सामने आपको स्मॉल सी कर दिया। तो आपको एक बात यहाँ से ध्यान से जानते रहना है कि जो यहाँ पे ए है, एंगल ए है, और ये जो बड़े वाले कैपिटल लेटर में होता है, जो कैपिटल लेटर में होता है, जैसे आप देख लीजिए ये कैपिटल लेटर में ए है, तो ए बी और ये सी जो कैपिटल में होते हैं ये किसको बताते हैं, ये एंगल को दर्शाते हैं, ये कोणों को दर्शाते हैं, ये किसे दर्शाते हैं, कोण को दर्शाते हैं। कहीं भी आपको कैपिटल में ऐसे एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी लिखा हुआ मिल जाएगा तो आपको समझना है कि ये क्या करते हैं, कोणों को दर्शाते हैं। और अगर यहीं पर आपको छोटे लेटर में लिखा होगा ए बी और सी, तो ये हमेशा त्रिभुज की किसे दर्शाते हैं, भुजाओं को दर्शाते हैं, किसे दर्शाते हैं, भुजा को दर्शाते हैं, यानी कि इनको भुजाओं को दर्शाते हैं, ये बात आपको जानते रहना है। इसके बाद हम थोड़ा सा ये जान लेते हैं कि ये हमारे कोण हो गए और ये हमारी क्या हो गई, भुजाएं हो गई। तो आपको एक बात, सबसे बड़ी बात तो ये जानना है कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग सदैव 180 होता है। तो एक बात आपको जानना है कि एंगल ए प्लस एंगल बी और प्लस एंगल सी ये हमेशा क्या हो जाएगा, 180 अंश हो जाएगा। ये एक छोटी सी बात आपको जानते रहना है कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग क्या होता है। इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑलवेज 180 डिग्री, हमेशा क्या होगा, 180 डिग्री होगा त्रिभुज के सभी अंतकोणों का योग। तो ये बात आपको पहले जानना है। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि ट्रायंगल में कि टाइप्स ऑफ ट्रायंगल क्या होते हैं। तो थोड़ा सा हम इसके बारे में जान लेते हैं कि टाइप्स ऑफ ट्रायंगल बनते क्या हैं, क्या होते हैं। तो थोड़ा सा हम बात करते हैं ट्रायंगल के बारे में कि टाइप्स ऑफ ट्रायंगल क्या होते हैं। तो आप जान लीजिए कि जो ट्रायंगल होते हैं, यानी जो त्रिभुज होता है, वो 6 प्रकार के होता है। त्रिभुज 6 प्रकार का होता है।
तीन त्रिभुजों का जो टाइप होता है वो कोणों के आधार पर होता है, और तीन त्रिभुजों का जो टाइप होता है वो भुजाओं के आधार पर होता है, यानी तीन एंगल के बेस पे होते हैं और तीन साइड के बेस पे होते हैं। तो जैसे पहले हम देख लेते हैं कि एंगल बेस्ड ट्रायंगल यानी कि कोणों पे आधारित त्रिभुज, एंगल बेस्ड ट्रायंगल। आपको जब भी मैं ऐसे बनाऊंगा तो आपको जान लेना है कि ट्रायंगल बता रहा हूं, तो कोणों पर आधारित त्रिभुज। तो अगर आप कोणों पर आधारित त्रिभुज के बारे में बात करेंगे, कोणों पर आधारित त्रिभुज तो ये तीन प्रकार के होते हैं। जो पहला होता है उसे हम बोलते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल। इसका मतलब क्या होता है? न्यून कोण त्रिभुज, हिंदी में इसे बोलते हैं न्यून कोण त्रिभुज। ये बात आपको जानना है। तो ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों कोण क्या हो जाए, 90 से छोटे हों। एक्यूट एंगल से ही स्पष्ट है कि जिसके तीनों कोण क्या हो, 90 से छोटे हों, तो क्या होता है? एक्यूट एंगल ट्रायंगल। पास में आ रहा है एक्यूट एंगल ट्रायंगल। तो जिसके तीनों कोण क्या हो, 90 से छोटे हो, जिसके तीनों कोण क्या हो, 90 से छोटे हो, उसे हम बोलते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल। यानी तीनों कोण जीरो से तो बड़ा होगा लेकिन क्या हो जाएगा, 90 से छोटा हो जाएगा, तो इसे हम न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। इसके बाद जब मैं बात दूसरा करता हूं तो दूसरे कंडीशन में बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज। क्या होता है? तो आप बोलोगे कि सर जो समकोण त्रिभुज होता है, राइट एंगल ट्रायंगल होता है, एक ऐसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल क्या होता है, 90 डिग्री होता है, जिसका केवल एक एंगल क्या होगा 90 डिग्री। मैं यहाँ आपको फिगर बना के समझाता हूँ कि आप देख लीजिए, ये जो एंगल होगा ये हमेशा क्या होगा, 90 डिग्री। तो ये याद रखना है कि एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 होता है वो क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल होता है। लेकिन आपको एक बात ये भी याद रखनी, किसी भी त्रिभुज में कभी भी दो राइट एंगल ट्रायंगल नहीं हो सकते, क्योंकि अगर कोई भी त्रिभुज में अगर दो राइट एंगल ट्रायंगल बनने लगा तो वो त्रिभुज बन ही नहीं पाएगा, वो आकृति खुल जाएगी। तो इसलिए आपको एक बात याद रखनी है कि किसी भी त्रिभुज में, क्योंकि तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो अगर तीन कोणों का योग 180 हुआ और अगर दो का वैल्यू 180 बन गया तो तीसरा वाला जीरो बन जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं। अगर जीरो बनेगा तो त्रिभुज बन ही नहीं पाएगा। तो इसलिए आपको हमेशा एक बात छोटी सी याद रखनी है कि किसी भी त्रिभुज में एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है। इसके बाद मैं एक अगला ट्रायंगल के बारे में बात करूंगा, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल मीन्स अधिक कोण त्रिभुज। जैसे मैं ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल के बारे में आपको बताता हूं, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल यानी कि इसे हम बोलेंगे अधिक कोण त्रिभुज। ये क्या होता है, अधिक कोण त्रिभुज? तो यानी कि जिसका एंगल क्या हो जाए कि 90 से ज़्यादा हो जाए, बस समझा रहा ना, जो एंगल 90 से ज़्यादा हो जाए, यानी अधिक कोण त्रिभुज में क्या हो जाएगा कि थीटा इज ग्रेटर देन 90 बस लेस देन 180। जिसका एक कोण, ऐसा त्रिभुज एक ही कोण होगा, ये भी आप जान लीजिए, क्योंकि दो अधिक कोण नहीं हो सकते, दो अधिक कोण होंगे तो फिर त्रिभुज बन नहीं पाएगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो केवल इकलौता एक्यूट एंगल ट्रायंगल जो हमने पहला पढ़ा था, न्यून कोण त्रिभुज में ही सभी कोण क्या होते हैं, न्यून कोण होते हैं, बात समझ आ रहा ना, सभी 90 से छोटे होते हैं। बाकी मैं बात राइट एंगल ट्रायंगल की कर दूं यानी सम कोण त्रिभुज की करूं, या मैं ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल की करूं यानी अधिक कोण त्रिभुज की करूं, तो राइट एंगल ट्रायंगल में एक कोण 90 का होगा, बाकी दो न्यून कोण होंगे। न्यून कोण मीन्स दोनों 90 से छोटे होंगे। ऐसे ही आपको मैं बता दूं कि अधिक कोण त्रिभुज में भी एक कोण 90 से बड़ा होगा लेकिन बाकी के बचे हुए दो कोण क्या होंगे, 90 से छोटे होंगे। हमेशा ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो मैंने आपको कोणों के आधार पर त्रिभुजों के तीनों प्रकार बता दिए। अब हम आइए भुजाओं के आधार पर बताते हैं कि भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के तीनों प्रकार क्या होते हैं। थोड़ा सा मैं आपको इसे समझाता हूँ कि भुजाओं के आधार पर क्या होता है। तो भुजाओं के आधार पर भी त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। भुजाओं के आधार पर ट्रायंगल बेस्ड ऑन साइड। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज आप टाइप्स ऑफ लिख सकते हो, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल बेस्ड ऑन साइड यानी भुजाओं के आधार पर त्रिभुजों के प्रकार
प्रकार, आपको ये बात जानते रहना है कि भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के प्रकार क्या होगा। तो आप ये चीज़ ध्यान रखिए कि भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के प्रकार क्या होगा। तो आपको मैंने एक बात अभी बताया कि यहाँ पे क्या होता है कि अगर कोई ये त्रिभुज है तो ये एंगल ए है, ये एंगल बी है और ये एंगल सी है, तो ए के सामने साइड क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, बी के सामने ये साइड क्या हो जाएगा, बी, और सी के सामने ये साइड क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब हमने बात किया था पिछले वाले में एंगल पर बात किया था, अब हम साइड पर बात करेंगे कि ये जो भुजाएँ हैं इन पर आधारित त्रिभुज। तो भुजाओं के आधार पर तीन प्रकार के त्रिभुज होते हैं। पहला त्रिभुज मैं आपको बताता हूं कि जो पहला त्रिभुज होता है उसे हम कहते हैं विषमबाहु त्रिभुज। अगर हम कहें कि विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु, या पहला त्रिभुज आप लिख लीजिए समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज को हम हिंदी में, इंग्लिश में कहते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल, लैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो, बराबर हो, उसे ही हम क्या कहते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल। आपको एक बात जानना है कि अगर ये भुजा, ये भुजा और ये भुजा, यानी साइड ए, अगर ये साइड बी है और ये साइड सी है, यानी कि आप कहोगे कि ए बराबर बी बराबर सी, जब a बराबर b बराबर c होता है तो इसे हम कहते हैं क्या, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो आपको यहाँ पे एक बात और भी जाननी है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी और होती है कि अगर इसके सारे भुजाएं बराबर होती है तो इसके सारे कोण भी बराबर होते हैं। आप समझ पा रहे हैं कि सारे कोण बराबर होते हैं। तो अब आप बोलोगे सर हमने तो अभी पढ़ा कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 होता है, तो इसका मतलब कि अगर तीनों कोण बराबर हो गए तो इस केस में क्या हो जाएगा कि हर एक कोण 60-60 डिग्री का बन जाएगा। कितने का बन जाएगा, हर एक कोण कितने का बन जाएगा, 60-60 डिग्री का। यानी आप बोलोगे सर एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर एंगल सी बराबर क्या हो जाएगा, 60 डिग्री। एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर एंगल सी बराबर क्या हो जाएगा, 60 डिग्री। आपको ये बातें जानते रहना है कि अगर किसी समबाहु त्रिभुज में अगर त्रिभुज है तो उसकी तीनों भुजाएं बराबर होंगे, और अगर तीनों भुजाएं बराबर हैं तो उनके तीनों कोण भी बराबर होंगे, इसे ही हम कहते हैं क्या, समबाहु त्रिभुज। आइए इसके बाद मैं आपको बताता हूं कि समद्विबाहु त्रिभुज, जिसे हम आइसोसेल्स ट्रायंगल बोलते हैं, जिसे हम आइसोसेल्स ट्रायंगल, यानी कि ऐसा त्रिभुज जिनकी दो भुजाएं बराबर हो उसे हम क्या बोलेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज। दूसरा मैंने लिख देता हूं कि समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, या इसका मीन्स क्या होता है, इंग्लिश में इसे बोलते हैं आइसोसेल्स, आइसोसेल्स ट्रायंगल, समद्विबाहु त्रिभुज। जो समद्विबाहु त्रिभुज होता है इसके दो कोण आपस में, सॉरी दो भुजाएं आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इसके दो भुजाएं आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। जैसे मान लीजिए ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो ए के सामने ये ए हो गया, बी के सामने ये बी हो गया, और सी के सामने ये सी हो गया। हमेशा याद रखिएगा, ये लिखने का तरीका भी होता है, आपको जब भी त्रिभुज बनाना है तो एक एंगल ए है तो उसके सामने की साइड ए होती है, एंगल बी है तो उसके सामने की साइड बी होती है, एंगल सी होती है तो उसके सामने की साइड क्या होती है, सी होती है, आपको जानना है। तो मैंने ये बोला कि इसमें दो भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, तो आप बोलोगे सर ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं आपस में बराबर हो, तीसरी भुजा आपस में बराबर नहीं होगी। तो ऐसा त्रिभुज जिनकी दो भुजाएं आपस में बराबर होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज। यानी आप बोलोगे सर बी बराबर साइड, बी बराबर साइड क्या हो जाएगा, सी। तो आपको एक बात और छोटी सी जाननी है कि इनके जो दोनों आपस के कोण होंगे, इनके जो दोनों आपस के कोण होंगे, अगर ये थीटा होगा तो ये भी आपस में क्या होगा, थीटा होगा। ये भी आपको बात जानना है कि बराबर भुजाओं के सामने के कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये प्रॉपर्टी आपको जानना है कि बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं, यानी इक्वल साइड के अपोजिट, इक्वल साइड के अपोजिट, सॉरी इक्वल साइड के फ्रंट में जो एंगल आता है वो क्या होता है, वो उसके बराबर होता है, यानी वो भी आपस में बराबर होते हैं। अगर बराबर भुजाएं हैं यानी इक्वल साइड है, तो इक्वल साइड होने के मतलब ये हुआ कि इक्वल एंगल भी होंगे। जैसे देख लीजिए ये साइड सी है तो इसके सामने का ये एंगल और ये इसके सामने का ये एंगल, यानी अगर ये दोनों भुजाएं आपस में क्या हैं, बराबर हैं, तो इसके सामने की एंगल ये होगा और इसके सामने का एंगल ये होगा। यानी बराबर भुजाओं के कोण हमेशा क्या होंगे, बराबर होंगे। तो आप बोलोगे सर कि एंगल बी भी एंगल सी के बराबर होगा, एंगल बी भी एंगल सी के बराबर होगा। दो ट्रायंगल मैं बता दूं बच्चों, दो नहीं तीन ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, जो एंगल वाले में, एंगल वाले में एक ट्रायंगल आपको राइट एंगल ट्रायंगल, और भुजाओं वाले में दो ट्रायंगल, समद्विबाहु त्रिभुज यानी आइसोसेल्स ट्रायंगल, और अभी जब हमने पीछे पढ़ा समबाहु त्रिभुज यानी इक्विलैटरल ट्रायंगल। ये तीनों अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट त्रिभुज है, बहुत ज्यादा इसको मैं पढ़ाऊंगा, इनसे ही सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। तो थोड़ा सा आगे मैं और बढ़ता हूं और आपको समझाता हूं। अब एक लास्ट हम लोगों का रह गया है भुजाओं पर आधारित विषमबाहु त्रिभुज, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं स्केलन ट्रायंगल, स्केलन ट्रायंगल, जिसे हम विषमबाहु त्रिभुज बोलते हैं।
तो थोड़ा सा हम देख लिया जाए कि विषमबाहु त्रिभुज क्या होता है। तो आप बोलोगे सर एक ऐसा त्रिभुज, नाम से स्पष्ट है क्या कि विषमबाहु त्रिभुज यानी जिसकी कोई भी भुजा बराबर ना हो, विषमबाहु त्रिभुज यानी जिसके कोई भी भुजा बराबर ना हो, स्केलन इसको बोलते हैं, स्केलन ट्रायंगल यानी ऐसा त्रिभुज जिसके कोई भी भुजा आपस में बराबर ना हो, आपको ये समझना है। जैसे मान लीजिए ये एंगल ए है, ये एंगल बी है और एंगल सी है, तो कोई भी आपस में बराबर नहीं होता है। इसके सामने का साइड ए हो गया, इसके सामने का साइड बी हो गया, इसके सामने का साइड सी हो गया, तो ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ये आपको बातें समझते रहना है कि विषमबाहु त्रिभुज में क्या हो जाएगा कि तीनों भुजाएं आपस में बराबर नहीं होंगी। ये बात आप जान लीजिए कि विषमबाहु त्रिभुज में कोई भी भुजाएं आपस में बराबर नहीं होंगी। अब हम थोड़ा सा आगे इससे और बढ़ते हैं। हमने आपको टाइप समझा दिया कि समबाहु त्रिभुज क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, विषमबाहु त्रिभुज क्या होता है, तो ये सारी बातें मैंने आपको बता दिया। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद हम आपको और आगे बताते हैं कि अब आपको क्या पढ़ना है आगे, कि हमने पढ़ लिया टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। अब मैं आपको थोड़ा सा, हाँ एक चीज़ मैं आपको थोड़ा सा और समझा दूँ कि देखिए इसको बेस्ड, कुछ बेस्ड भी माना जाता है। जैसे हमने कोणों में तो ये देख लिया कि कोई त्रिभुज है, तो अगर आपको कोई त्रिभुज में जैसे क्या पता चला आपको कि जैसे आपने न्यून कोण त्रिभुज पढ़ा, एक्यूट एंगल ट्रायंगल पढ़ा, तो आपने बोला कि सर जब थीटा क्या हो जाएगा, सारे कोण 90 से छोटे हो जाएंगे, यानी थीटा इज ग्रेटर देन जीरो, एंड हमने क्या पढ़ा, एक्यूट एंगल ट्रायंगल पढ़ा। आप जैसे देख रहे हो एक्यूट एंगल ट्रायंगल मैंने जो पढ़ाया था आपको, तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल में मैंने बताया था कि जो थीटा होगा, यानी न्यून कोण त्रिभुज में, न्यून कोण त्रिभुज में मैंने क्या पढ़ाया था कि इसमें क्या होगा कि आपका जो थीटा होगा वो जीरो से बड़ा होगा और लेस देन 360 होगा। बस मैं रहा है, मैंने बोला था कि हर कोण क्या हो जाएगा, ये 90 डिग्री, थीटा क्या होगा, जीरो से बड़ा होगा और 90 से छोटा होगा, मैंने न्यून कोण में बोला। ऐसे ही दूसरा एंगल मैंने बोला था, क्या बोला था, राइट एंगल ट्रायंगल बोला था, तो यानी समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज में मैंने क्या बोला था कि यहाँ पे थीटा एक क्या हो जाएगा, 90 डिग्री होगा, बाकी के दो कोण क्या होंगे, छोटे होंगे, न्यून कोण होंगे। तीसरा मैंने बोला था कि ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, इसे हम क्या बोला था मैंने, अधिक कोण त्रिभुज, यानी इस केस में मैंने बोला था कि थीटा जो होगा वो ग्रेटर देन 90 होगा बट लेस देन 180 होगा, लेकिन ये भी मैंने बताया था कि केवल एक ही कोण ऐसा हो सकता है जो अधिक कोण हो सकता है, बाकी के बचे हुए दो न्यून कोण होंगे। आपको ये बात याद है, तो आप इससे तो डिफाइन कर सकते हो कि किसे किसे हम कह सकते हैं, तो ऐसे ही साइड में भी कैसे डिफाइन करेंगे कि कोई कोण समद्विबाहु त्रिभुज है, कोई कोण समबाहु त्रिभुज है, कोई कोण विषमबाहु त्रिभुज है। तो इसका भी एक सिस्टम होता है, एक तरीका होता है, वो मैं बताता हूँ कि क्या किस कंडीशन के अकॉर्डिंग हम बोल सकते हैं उसको। तो जरा हम आपको आइए बताता हूँ कि उसके समझ लेते हैं जरा कि उसको क्या कैसे जानना है। तो आइए आपको पहला मैं बताता हूँ। पहला जो है आपका कि मैंने क्या बताया था, समबाहु त्रिभुज, मैंने आपको पहला क्या बताया था, समबाहु त्रिभुज। तो जब समबाहु त्रिभुज बताया था तो ये हमको पता चल गया था कि तीनों भुजाएं बराबर हो गई। तो कोई त्रिभुज है तो कैसे पता चलेगा, तो थोड़ा उसके बारे में हमने बताया कि यहाँ पे क्या कर लेंगे, समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी इक्विलेटरल ट्रायंगल में। इसी के बाद मैंने क्या बोला था कि जो तीनों भुजाएं अगर बराबर ना हो तो क्या हो जाएंगे, विषमबाहु त्रिभुज हो जाएंगे, अगर दो भुजाएं बराबर हो तो क्या हो जाएंगे, समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएंगे। तो ये आपको कंडीशन हो गई किसमें, भुजाओं के आधार पर भुजाओं के त्रिभुज। लेकिन कोणों वाले में एक चीज और बता दूं मैं आपको कि कोण वाले में क्या सीखना है हमें। तो कोण वाले में जरा आप समझ लीजिए कि जैसे हमने अभी पढ़ा था कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल, तो आप एक ट्रायंगल पहले बना लीजिए और फिर मैं आपको समझाता हूं कि किस किस केस को क्या क्या बोलेंगे। एक केस होता है ए बी सी, ए के सामने का कोण ए, बी के सामने का कोण बी, और सी के सामने का कोण क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो अब जरा ध्यान से आप मेरी बात को सुनिएगा, मैं ये कह रहा हूं कि जैसे आप अगर इसको कहेंगे, एक कंडीशन होता है सी स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक कंडीशन होता है सी स्क्वायर इज इक्वल टू, मैं थोड़ा सा नीचे लिखता हूँ कि सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और एक कंडीशन होता है सी स्क्वायर इज लेस देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये जो कोण होता है, ये जो होता है त्रिभुज, इस त्रिभुज को हम कहते हैं, जो कंडीशन ये फॉलो करती है, जो कंडीशन ये त्रिभुज फॉलो करती है उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, हम बोलते हैं न्यून कोण त्रिभुज। क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक न्यून कोण त्रिभुज में आप जानते ही है कि सी स्क्वायर इज लेस देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी दो भुजाओं के वर्गों के योग से तीसरा भुजा का वर्ग सदैव छोटा होगा। बस समझ आ रहा है, सम स्क्वायर ऑफ टू साइड इज ऑलवेज लेस, सॉरी वन साइड इज लेस देन ऑलवेज सम स्क्वायर ऑफ टू साइड, देन इट इज कॉल्ड एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ऐसे ही जब एक भुजा का स्क्वायर
अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो जाए तो ये क्या हो जाता है, इसको हम बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। और उस केस में ये हाइपोटेनस का काम करता है, कर्ण का काम करता है। आपने सुना होगा हाइपोटेनस, जो हम पढ़ते हैं हाइपोटेनस यानी कि कर्ण की बात करते हैं, तो इसे हम बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। और फिर इसको भी याद रखना आसान है कि यानी जब ये सी स्क्वायर ग्रेटर हो गया, दो भुजाओं के वर्गों के योग से ये तीसरी भुजा का वर्ग क्या हो गया, बड़ा हो गया, तो इसे हम बोलते हैं क्या, इसे हम बोलते हैं एक्यूट हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, तो इसे क्या बोलेंगे, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। तो ये बातें आपको जानना है, ये तीन कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या मैंने बोला कि एक हो जाएगा सी स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो उसे हम बोलेंगे ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल यानी अधिक कोण त्रिभुज। दूसरा हो गया जब सी स्क्वायर बराबर होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के, तो इसे हम बोलेंगे राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि सम कोण त्रिभुज। ऐसे ही तीसरा वाला क्या है कि अगर सी स्क्वायर इज लेस देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो रहा है तो इसे हम बोलेंगे एक्यूट एंगल ट्रायंगल। तो आई होप आप समझ पा रहे हो कि मैंने आपको ये समझाने का प्रयास किया कि भुजाओं के आधार पर त्रिभुज क्या है, कोणों के आधार पर त्रिभुज क्या है। तो ये सारी बातें हमने समझ लिया। अब मैं आपको त्रिभुज बनने की स्थितियां समझा देता हूं कि त्रिभुज आखिर बनते कैसे हैं, क्या केस हुआ कि त्रिभुज नहीं बन सकता। कुछ ऐसी भी तो स्थितियां होंगी, जैसे मैंने बोला कि कोणों के कंडीशन में क्या हो जाएगा कि अगर आप बोलोगे कि सर किसी त्रिभुज में दो अधिक कोण होंगे कि नहीं, तो जैसे ही आप दो अधिक कोण देंगे त्रिभुज बन ही नहीं सकता। तो उसमें भी कंडीशन होते हैं, तो भुजाओं के आधार पर भी कंडीशन होता है कि भुजाओं के कंडीशन में कि क्या क्या कंडीशन हो सकती है कि त्रिभुज बनेंगे और क्या क्या कंडीशन हो सकती है कि त्रिभुज नहीं बनेंगे। तो आइए हम लोग थोड़ा इसके बारे में समझ लेते हैं कि क्या हो सकता है कि किसी के त्रिभुज बनने की स्थितियां और किसी के त्रिभुज ना बनने की स्थितियां। तो आइए हम थोड़ा सा आपको समझाते हैं कि जैसे आप जान लीजिए कि किसी भी त्रिभुज में जो दो भुजा होती है, दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से सदैव बड़ा होता है। आप एक बात जानिए, अगर ये तीन भुजाएं आप देख रहे हैं तो आपको कंडीशन एक तो ये याद रखना है कि दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से सदैव बड़ा होगा, यानी a प्लस बी इज ग्रेटर देन c। ऐसे ही दूसरा कंडीशन हो जाएगा, दूसरा केस होगा कि b प्लस सी इज ग्रेटर देन a, और ऐसे ही तीसरी कंडीशन हो जाएगी c प्लस a इज ग्रेटर देन b। तो आपको एक बात सदैव याद रखना है कि दो किसी भी त्रिभुज में दो भुजाओं का जो योग होगा वो तीसरी भुजा से सदैव क्या होगा, बड़ा होगा। अच्छा, तो एक कंडीशन ये होती है, तो दूसरी कंडीशन एक और भी होती है कि अगर दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है, ऐसे ही दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से छोटा भी होता है। तो आपको ये भी कंडीशन याद रखनी है इसके साथ साथ में कि दो भुजाओं का जो अंतर होता है वो तीसरी भुजा से सदैव क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। आपको ये बात याद रखना है, मैंने बता दिया आपको। आप देख लीजिए कि एक कंडीशन ये है कि a प्लस बी इज ग्रेटर देन c, c प्लस a इज b प्लस c इज ग्रेटर देन a, और c प्लस a इज ग्रेटर देन b। ऐसे ही मैंने क्या कहा कि a माइनस बी इज लेस देन c, b माइनस c इज लेस देन a, c माइनस a इज लेस देन b। तो आपको ये दो बातें याद रखनी है। तो आप बोलोगे कि सर ये कैसे समझेंगे, तो मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ कि कोई आपको बोल दे, कोई आपको भुजाएं दे दे, दो भुजा दे दे और आपसे बोल दे कि ये बताइए कि ये इसके किसके किसके बीच में हो सकता है। तो जरा हम लोग समझ लेते हैं कि किसके किसके बीच में कोई त्रिभुज क्या क्या आ सकते हैं, भुजाएं आ सकती हैं कि वो त्रिभुज बनेगा, नहीं आ सकती हैं, क्या नहीं होगा। तो ये सारी बातें मैं करने वाला हूं, तो जरा मैं आपको समझाता हूं। इसको अगर मैं एक साथ ज्वाइन करके लिखूंगा, अगर मैं इसको एक साथ ज्वाइन करके लिखने का प्रयास करूं, तो आप क्या बोलोगे कि सर a प्लस बी इज ग्रेटर देन c, यानी कि c इज ग्रेटर देन ऑलवेज a माइनस b, a इज ग्रेटर देन b माइनस c, और b इज ग्रेटर देन c माइनस a। तो आपको यहां से पता चल रहा है कि जो दो भुजाएं होती हैं, दो भुजाओं का योग यानी कि जो तीसरी भुजा होती है वो दो भुजाओं के योग से छोटी होती है, और दो भुजाओं के अंतर से क्या होती है, बड़ी होती है। ऐसे ये देख रहे हैं कि a जो है कि इन दोनों के सम से छोटा है और इन दोनों के डिफरेंस से क्या है, बड़ा है। ऐसे ही b के बारे में कहेंगे कि ये दोनों के सम से क्या है, छोटा है, और इन दोनों के डिफरेंस से क्या है, बड़ा है। ये बात आपको जाननी है। जैसे मैंने एक एंगल आपको बोल दिया कि दो भुजाएं हमको दे रखा है, एक सात दे रखा है, और मान लीजिए कि एक भुजा हमको 23 दे रखा है। मान लीजिए कि एक भुजा हमको दे दिया a और एक भुजा मान लीजिए दे दिया b। तो अब आपसे एक क्वेश्चन जानते हैं कैसे पूछता है, क्वेश्चन ये बोलता है कि बताइए कि C क्या क्या हो सकता है, C क्या क्या हो सकता है। तो अगर मैं ये बोलूंगा तो आप ये वाला केस उठा लीजिए, आप ये वाला केस उठा लीजिए, देख लीजिए C क्या है कि दो भुजाओं के अंतर से क्या है, बड़ा है,
और दो भुजाओं के डिफरेंस से क्या है, कम है। तो आप जरा इन दोनों को जोड़ लीजिए, तो अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 30, और अगर इन दोनों का अंतर ले लेंगे तो 23 में 7 चला गया 16। यानी इसका मतलब क्या है कि जो हमारी भुजा सी होगी वो 16 से क्या होगी, बड़ी होगी और 30 से छोटी होगी। यानी कि एक त्रिभुज बनने की स्थिति में अगर सी का साइड, अगर सी का साइड 16 से छोटा हो गया और 30 से बड़ा हो गया तो आप जान लीजिए कि नहीं बन सकता त्रिभुज। तो ये बातें आपको जाननी है कि सी क्या होगा 30 से छोटा। आपने देखा होगा मैंने यहीं से किया है, मैंने क्या कर दिया है कि यहाँ से 7 और 23 को रख दिया है, 7 प्लस 23 रख दिया है, और यहाँ पे भी मैंने क्या कर दिया है, बड़े में से छोटे को घटा देंगे तो 23 माइनस 7 कर दिया, यानी यहाँ पे क्या आ गया 16। ये मॉड में रहता है, आप ये भी जान लीजिएगा, आप ये मत समझिएगा कि ये माइनस में आएगा, नहीं ये मॉड में रहता है। आपको ये बात ध्यान रखनी है कि मॉड में रहने का मतलब कि वैल्यू निगेटिव में भी आ रही होगी तो उसे हम पॉजिटिव ही मानेंगे। बात समझ में आ रहा है? तो ये बात आपको ध्यान समझना है। तो इसका मतलब कि ये बात हमको पता चल जाएगी कि जो C है वो क्या हो जाएगी कि 30 से छोटी होगी। C क्या होगी, 30 से छोटी होगी और 16 से क्या होगी, बड़ी होगी। तो ये क्वेश्चन कई बार आता है कि कोई भी त्रिभुज है वो त्रिभुज कैसे कैसे किन किन स्थितियों में बन सकते हैं, नहीं बन सकते, तो ये बातें मैंने आपको बताने का प्रयास किया। इसके बाद एक बात और मैं छोटी सी यहाँ पर बता दूँ आपको कि कभी कभी बोलता है कि इनके बीच कितने त्रिभुज बन सकते हैं, ये भी एक कंडीशन आपको बनती है। तो ये भी मैं अभी समझाने वाला हूँ, आगे जब मैं बढ़ूँगा तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन कराऊँगा तो वो भी स्थितियां वहां पे आपको समझा दूंगा। इसके बाद हम आपको बताते हैं थोड़ा सा और कुछ चीजें कि थोड़ी सी ये चीज आप क्लियर हो गई। अब मैं आगे थोड़ा सा और बातें आपको करता हूं कि हमने देख लिया क्या कि हमने देखा क्या क्या कि हमने देखा कि त्रिभुज क्या होता है, त्रिभुज बनने की स्थितियां क्या क्या होती हैं, त्रिभुजों के प्रकार क्या क्या होते हैं, तो ये सारी चीज़ें हमने देख लिया। तो आप समझ गए हैं कि त्रिभुज की स्थितियाँ क्या है, त्रिभुज बनने के प्रकार क्या है। तो ये सारी चीज़ें हमने देख लिया। तो थोड़ा सा मैं कुछ प्रॉपर्टी बता देता हूँ आपको ट्रायंगल के, क्या क्या प्रॉपर्टी होता है, जैसे हम लोगों ने शुरू में ही देख लिया। तो आपको एक बात हमेशा याद रखना है कि जो त्रिभुज होता है इस त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग सदैव क्या होता है, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग सदैव 180 डिग्री होता है। ये प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग सदैव क्या होता है, 180 डिग्री होता है। इसके बाद अगला कंडीशन मैं ये बताता हूँ कि त्रिभुज का जो बहिष्कोण होता है इसको बहिष्कोण बोलते हैं, थीटा को बहिष्कोण इंग्लिश में बोलते हैं इसको एक्सटीरियर अपोजिट एंगल। तो ये जो होता है इसको हम बोलते हैं बहिष्कोण, इसे हम क्या बोलते हैं, बहिष्कोण, हिंदी में बोलते हैं इसे बहिष्कोण। तो जो बहिष्कोण होता है, जो थीटा होता है, अगर आप मान लीजिए ये कोण ए है और ये कोण बी है, तो बहिष्कोण सदैव जो होता है थीटा इजकल टू एंगल ए प्लस एंगल बी। यानी कि आपको ये बात याद रखनी है कि जो पास वाला एंगल होता है इसको छोड़ के जो दूर दो कोण होते हैं उनके सम के इक्वल होता है। बात समझ आ रहा है? तो अपोजिट जो दो एंगल होते हैं उनके सम के इक्वल होता है क्या, एक्सटीरियर अपोजिट एंगल। तो ये होता है हमारा बहिष्कोण। आपको ये बात याद रखनी है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अभी मैं आगे जब यूज करूंगा तो आपको समझ में आएगा कि क्या क्या ये प्रॉपर्टियां चल रही हैं। इसके बाद एक और मैं कंडीशन बताता हूं कि एक बताया कि किसी भी त्रिभुज में दो न्यून कोण जरूर होंगे, किसी भी त्रिभुज में दो न्यून कोण जरूर होंगे। कैसे, आपको याद होगा मैंने बताया था पहला कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल, तो उसमें मैंने बोला था कि तीनों के तीनों न्यून कोण होंगे, वहां दो कोण होंगे ही होंगे, न्यून कोण हो ही गए, जब तीनों न्यून कोण है तो दो कोण होंगे। इसी तरह से मैंने राइट एंगल ट्रायंगल में बताया था कि वहां पे भी क्या होंगे, दो न्यून कोण होंगे, यानी कि दो एक्यूट एंगल होंगे। क्यों, क्योंकि मैंने बोला था कि अब एक 90 हो गया तो दूसरा 90 नहीं हो सकता, अगर दूसरा 90 हुआ तो त्रिभुज बनेगा ही नहीं, ये बात आपको जानना है। और ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल में भी मैंने ये बात समझाई थी कि अगर दो कोण ही न्यून कोण होंगे, तीसरा अगर जैसे ही अधिक, एक कोण ही अधिक होगा और दो न्यून कोण होंगे, जैसे ही दूसरा अधिक कोण हुआ तो त्रिभुज नहीं बन सकता। तो आपको एक बात और छोटी सी याद रखनी है कि किसी भी त्रिभुज में मिनिमम दो एक्यूट एंगल होते हैं। इन अ ट्रायंगल हैज मिनिमम टू एक्यूट एंगल। इन अ ट्रायंगल हैज मिनिमम टू एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल किसी त्रिभुज में कम से कम दो न्यून कोण होते हैं। तो ये बातें आपको जानना है कि क्या क्या मैंने बताया कि क्या क्या
कंडीशन होती है, प्रॉपर्टी होती है, कि आपको ये बात याद रखना है कि किसी भी त्रिभुज में क्या होता है कि हमने देखा कि तीनों अंतःकोणों का योग 180 होगा। मैं थोड़ा हट जाता हूँ, आप देख भी लीजिए। इसके बाद मैंने दूसरा कंडीशन ये बताया कि बहिष्कोण यानी जो एक्सटीरियर अपोजिट एंगल है वो दो कोण जो अपोजिट है यानी कि उसके सम के इक्वल होता है। हिंदी में बोलते हैं कि किसी भी त्रिभुज में बहिष्कोणों का योग, बहिष्कोण जो होता है वो सुदूर स्थित दो अंतःकोणों के बराबर होता है। ये बात आप समझ गए। इसके बाद मैंने एक तीसरी कंडीशन ये बताई कि किसी भी त्रिभुज में क्या होगा, कम से कम दो न्यून कोण होगा। ये बात मैंने समझा दिया आपको। अब इसके बाद अभी ये एक प्रॉपर्टी इस पे क्वेश्चन में करवाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद मैं अगला एक चीज़ बताता हूँ कि एक त्रिभुज का जो एक्सटीरियर अपोजिट एंगल होता है यानी कि बाह्य कोण होता है, त्रिभुज के बाह्य अंतःकोणों का, जैसे अंतःकोणों का योग हमने पढ़ा क्या कि 180 होगा और बाह्य कोणों का योग हमेशा क्या होता है 360 होता है। वैसे भी आप जान लीजिए कि किसी भी पॉलीगन का भी, तो जब मैं पॉलीगन पढ़ाऊंगा तो किसी भी पॉलीगन का जो एक्सटीरियर एंगल होता है उसका सम ऑलवेज 360 होता है। अभी मैं आपको इंटीरियर एंगल तो बदल सकते हैं, इंटीरियर एंगल तो पॉलीगन पे डिपेंड होता है कि पॉलीगन अगर साइड्स बढ़ते जा रहे हैं तो इंटीरियर एंगल बढ़ता चला जाएगा, लेकिन सम उनका बढ़ता चला जाएगा, लेकिन एक्सटीरियर फिक्स होता है, एक्सटीरियर ऑलवेज फिक्स होता है, हमेशा 360 डिग्री होता है। मैं समझाता हूं, आप जरा देख लीजिए ध्यान से कि मैं क्या बताना चाहता हूं। कि देख लीजिए, एक ये हो गया, एक ये हो गया, और आप एक देख लीजिए, एक ये हो गया और एक आप ये ले लीजिए, सॉरी एक ये ले लीजिए, ये हो गया आपका। तो आप देख रहे हो कि अगर ये मान लीजिए ए है, ये बी है, और अगर मान लीजिए ये सी है, अगर मैं इसको कह दूं, अगर मैं इसको कहता हूं अल्फा, और अगर मैं इसको कहता हूं बीटा, और अगर इसको मैं कहता हूं गामा, तो इस केस में आपको बात याद रखना है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर ऑलवेज 360 डिग्री। आपको ये बात याद रखना है कि किसी भी त्रिभुज के बहिष्कोणों का जो सम होता है वो 360 के इक्वल होता है। तो ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा टाइम की कमी है इसलिए मैं क्षमा चाहता हूँ, और इसके आगे और बनेंगे वीडियो, और भी मैं आपको अच्छे से समझाने वाला हूँ। तो आप अपना प्यार बनाए रखिए, वीडियोज़ को खूब अच्छे से देखते जाइए, अपना व्यूज बढ़ाते जाइए। नमस्कार बच्चों।